नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक सिंह राठौड़ लेकर आया हूँ नई वीडियो जिसके अंदर बात करेंगे हम एक वेजिनल सपोजिटर के बारे में। ये सपोजिटर जो लिकोरियाटिक पेशेंट होते हैं उनके काम में आती हैं, जैसे किसी की वेजिना में सफ़ेद पानी आना, उस बीमारी को ठीक करने के लिए सपोजिटर का यूज़ किया जाता है। आज हम बात करेंगे इसके MRP कंटेंट और इसके यूजेज और इसके प्रिकॉशंस के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके कंटेंट के बारे में। इसके अंदर जो कंटेंट पाया जाता है वो है क्लिंडामाइसिन एंड क्लामेट्राजोल। और जो क्लिंडामाइसिन है वो है इसके अंदर 100 mg और जो क्लामेट्राजोल है वो है 200 mg। इसकी MRP की बात करें तो इसकी जो MRP है वो 118 रुपये है और इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट है अक्टूबर 2018 और इसकी जो एक्सपायरी डेट है वो लगभग सितंबर 2020 है। अब बात करते हैं इसके यूज़ की, इसका यूज़ कब करते हैं। इसका यूज़ नॉर्मली योनि के सूजन में तथा जो वेजिना में सफ़ेद पानी आता है उसको रोकने के लिए और बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन को रोकने के लिए भी इसका यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं इसके वर्किंग की प्रोसेस की। इसकी जो पैकिंग है वो 1:3 की सपोजिटर की पैकिंग है, यानी कि एक में 3 गोलियां हैं और ये 3 दिनों तक इसका यूज़ में लिया जाता है। इस तरीके की ये पैकिंग है। इसका जो वर्किंग होती है, इसमें से एक टैबलेट निकाल कर जो वेजिना होती है उसके अंदर डीपली इंसर्ट कर दिया जाता है जितना पॉसिबल हो। उसके बाद ये प्रोसीजर लगातार 3 मेडिसिन को 3 दिन तक लगातार फॉलो किया जाता है। प्रोसीजर को फॉलो करते वक्त कुछ बातें ध्यान देने योग्य हैं। सबसे पहली बात जो है वो है, इस मेडिसिन का प्रयोग मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान नहीं किया जा सकता। दूसरा, इस प्रोसीजर में जब 3 डेज़ के अंदर आप इसको यूज़ कर रहे हो तो आप अपने पार्टनर के साथ कोई भी इंटरकोर्स नहीं करना चाहिए। और लास्ट यूज़ है जो ये वेजिना सपोजिटर है उसका ओरल यूज़ नहीं करना चाहिए, यानी इसको डायरेक्ट निगलना नहीं चाहिए। इसका यूज़ ओनली वेजिनल यूज पर्पज़ के लिए है। जैसा कि आपको इमेज में दिख रहा होगा, हमको इस मेडिसिन का यूज़ 1 से 1.5 इंच अंदर तक करना चाहिए और इस अवस्था में कुछ देर के लिए लेटना चाहिए ताकि जो ये कैप्सूल हैं वो हमारी वेजिना में ईजिली घुल जाएँ और हमें आसानी से रिलीफ मिल सके। करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट की। जो इसका साइड इफ़ेक्ट है वो है योनि में ब्लीडिंग होना तथा वेजिना में सूजन तथा जलन होना। अगर आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम हो तो आप डॉक्टर को परामर्श जरूर लें। इसके अंदर जो दो कंटेंट है, क्लिंडामाइसिन क्लोमेट्राजोल, जो क्लिंडामाइसिन है वो एक एंटीबैक्टीरियल होता है और एक एंटीबायोटिक है और जो क्लोमेट्राजोल है वो एंटीफंगल होता है, यानी कि जो भी कोई भी जलन या खुजली वगैरह होती है उसको रोकने के लिए क्लोमेट्राजोल काम में लिया जाता है। और जो क्लिंडामाइसिन है वो कोई भी बैक्टीरिया होते हैं जो अपनी वेजिना को हार्म पहुंचा सकते हैं उनको ये किल करता है। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। थैंक यू।